शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने और पार्टी में उनके बढ़ते कद को देखते हुए यूपी निकाय चुनाव के दावेदारों ने अब उनके पास हाजिरी भरने शुरू कर दिए। शिवपाल के आवास पर बड़ी संख्या में दूर दराज से सपा कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं और टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि निकाय चुनाव के लिए टिकट कौन तय करेगा, अखिलेश यादव या शिवपाल, ये सपा ने अभी तय नहीं किया है। हालांकि अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा के बड़े नेताओं ने कहा भी है कि चुनाव को पूरे दम से लड़ा जाएगा। सपा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले यहां दूर दराज से आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव की आवाज़ पर सुबह से ही सपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। सपा कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही प्रसपा का सपा में विलय हुआ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा भी है कि चाचा शिवपाल सिंह को सपा में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। शायद यही कारण रहा है कि लोगों का रुख उनकी ओर मुड़ गया है। शिवपाल सिंह ने कहा कि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसके बाद ही टिकट पर विचार किया जाएगा। वही अखिलेश ने कहा कि सपा पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव दम में लड़ेगी और अच्छी जीत हासिल करेगी। बता दें कि मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच घनिष्ठता के बाद समाजवादी पार्टी के असंतुष्टों और पूर्व सहयोगियों को राज्य के मुख्य विपक्षी दल में एक बार फिर संभावनाएं दिखने लगी हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सपा यदि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन करती है तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ गैर भाजपा दल पार्टी के पीछे लामबंद हो सकते हैं। वहीं 10 अक्टूबर 2022 को सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एवं भाजपा प्रत्याशी रघुराम सिंह शाके को 2,88,000 मतों से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने मैनपुरी से करीब 90,000 मतों के अंतर से चुनाव जीता था। माना जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच मतभेद समाप्त होने और यादव परिवार को एकजुटता ने ही सपा के पक्ष में माहौल बनाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।